मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर्च्यून राइस लिमिटेड गौतम नगर एवं अध्यक्ष राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं प्रधान सभी उत्तर प्रदेश उद्योग जगत की तरफ से वर्ल्ड फॉर इंडिया में स्वागत करता हूँ। और ग्राउंड फ्लोर पर जाओगे ना जो लोग इस जहाँ साथ आते हैं सेमिनार को देखने के लिए अलग अलग जगहों से आए उनका भी स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपनी कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। फॉर्च्यूनलाइज लिमिटेड एक कंपनी गौतम नगर में स्थापित है और हम लोग यहाँ से 3 लाख क्विंटल चावल विश्व में यूरोपियन देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की कैटेगरी में हम लोग आते हैं यूरोपियन एक्सपोर्ट के लिए। और हमारे द्वारा एक मंडी उपस्थल चलाया जाता है जो कि निर्यातक कंपनी का पूरे प्रदेश में पहला उपस्थल है जो प्राइवेट मंडी जो है एक एक्सपोर्टर उसको चला रहा है। किसानों को हम हर तरह का इनपुट जो एग्रीकल्चर इनपुट है बिना किसी ब्याज के और मार्केट के रेट से सस्ता उपलब्ध कराते हैं। 2500 किसानों के साथ लगभग 12000 एकड़ की क्षेत्रफल पे हम लोग बासमती धान की खेती करवाते हैं और जिसको बाय बैक की गारंटी करते हैं। जब भी किसान अपनी फसल काटने के बाद बेचना चाहता है तो हम लोग उसकी फसल मार्केट रेट से और या MSP जो उन लोग निर्धारित करते हैं उस पर खरीदने के लिए बाध्य हैं। उसके साथ साथ इसी तरीके के साथ हमने ड्रोन स्प्रे का जो है इस्तेमाल करना शुरू किया है और 1300 एकड़ क्षेत्रफल में इस साल हमने किसानों के खेतों में ड्रोन से स्प्रे कराया है। और इन सब कार्यों से किसान की आमदनी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। उसकी पैदावार में लगभग 10% का इजाफा आ गया है। आज से अगर हम 3 साल पहले उसकी उपज को देते हैं और आज उसकी उपज है उसमें 10% तक की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे किसानों को लाभ पहुंच रहा है और साथ साथ में जो है एक सुरक्षित जो प्रोडक्ट है वो सामने आने लग गया है। यूरोपियन बाजार जो है विश्व में सबसे ज़्यादा हार्ड है, सबसे ज़्यादा सख्त है फूड सेफ्टी रूल्स के अंदर, तो वहाँ निर्यात करना इतना संभव नहीं है। अगर हम वहाँ कर रहे हैं तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो हिंदुस्तान में बिक रहा है, जिसका फ़ायदा हिंदुस्तान में लोगों को एक सेहत के लिए एक अच्छा खाने के लिए मिलना शुरू हो गया है। अब आज का कार्यक्रम जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने रखा है तो जो सरकार ने की भिन्न नीतियाँ पिछले 2-3 साल में आई हैं और स्पेशली जो 2023 की जो नीति फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से आई है उसने तो पूरे उत्तर प्रदेश की रूपरेखा को ही बदल दिया है। अब अगर हम बात करें तो एक मिलिंग वाला कंसेप्ट जो है ना उत्तर प्रदेश में आने लग गया है। लोगों को फीलिंग होने लग गया है कि यहाँ उद्योग लगाएंगे तो उसका चलना निश्चिंत है। आज से अगर हम 5 साल या 7 साल पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आदमी कोई भी काम करता तो सिर्फ उसका एक ही कारण था कि वहाँ जमीन सस्ती है, लेबर सस्ती है, लेकिन उसको किसी भी तरह की कोई ऐसी सेफ्टी या सिक्योरिटी नहीं होती थी कि उद्योग चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। और यही कारण रहा कि उद्योग लगे लेकिन नहीं सक्सेसफुल हो पाए। जैसे बासमती की बात करें तो हम लोग 30% जो है बासमती की पैदावार करते हैं GI एरिया में, लेकिन हमारे प्रदेश के उसका निर्यात की जो रेशियो है सिर्फ 5% है। लोग यहाँ से धान ले जाके दूसरे स्टेट में दूसरे प्रांतों में उसको निर्यात कर पाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी और आदमी को विश्वास नहीं था और उसको लगता था कि मैं पैसा लगा के पता नहीं मैं कितने दिन अपनी इंडस्ट्री को चला पाऊँगा, वो रूपरेखा पिछले 2 वर्षों में इतनी तेजी से बदली है कि आदमी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी के तहत जो है अब उसमें जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने और सब चीज़ों को साथ में जोड़ दिया है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने इंडस्ट्री लगा लिया तो उसके बाद आगे आपको कहाँ से कच्चा माल मिलेगा, उसके लिए भी पूरे प्रोविजन बना दिए गए हैं। प्राइवेट मंडी स्थल बनाने की घोषणा कर दी गई है, कोई भी अगर आप बैक लीकेज करना चाहें तो आपके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। पहले अगर आप मान लीजिए किसान से सीधा धान खरीदना या गेहूँ खरीदना या और अन्य किसी भी चीज़ को खरीदना है तो आपको जो है एक मंडी में लाइसेंस लेना पड़ता था और उसके बाद आपको वो सब काम करने में इतनी कठिनाइयाँ थी कि आदमी उसको सोचते ही थक जाता था। लेकिन इस सरकार ने इन सब नीतियों को इतना सरल कर दिया है कि अगर आदमी के पास सिर्फ एक पैन नंबर और बैंक खाता है तो वो भी एक व्यापार कर सकता है। अगर उसको इंडस्ट्री लगानी है तो एक या दो जगह जाने से उसको इंडस्ट्री लगाने का परमिशन मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों से उत्तर प्रदेश में एक जिसको बोलते हैं ओवर द नाइट जो है एक क्रांति आ गई है कि आदमी अभी सोच ही रहा था जो काम पिछले 15 सालों में नहीं हुआ वो 2 साल में हो गया
और उस सोच के साथ साथ लोगों का कॉन्फिडेंस और वो सब चीजें बढ़ेगी। अब इंडस्ट्री के साथ साथ एक्सपोर्ट क्योंकि हमेशा बंदरगाह से होता है, किसी भी आप स्टेट पे जहाँ समुंदर नहीं है वहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ से बात करें तो जो नियरेस्ट समुंदर है वो तो मुंबई में है या कांडा गुजरात में है, जिसकी जो है लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इतनी हाई कॉस्ट है कि आप जो लोग वहाँ बैठे हैं तो उनका एक्सपोर्ट सस्ता है। और वर्ल्ड वाइड एक इतना कटथ्रोट कॉम्पिटिशन है, किसी भी आइटम को आप पकड़ेंगे उस आइटम को आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट की सहायता के बिना संभव नहीं हो सकता है। जो हमारे स्टेट में 35% जो है सब्सिडी, 25% सब्सिडी जो है ट्रांसपोर्ट पे अलाउ कर दी है, जो पहले मिलती तो थी लेकिन वो एक अधिकतम लिमिट उसकी 10 लाख रुपए थी, उसमें से TDS करके 980,000 तक आता था। जो आदमी ट्रांसपोर्टेशन पे अगर 10 करोड़ रुपए खर्च करता है तो 9 लाख रुपए के लिए उसको लगता था कि कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक आटे में नमक जैसा है। लेकिन अभी जो नई पॉलिसी में गवर्नमेंट ने जो दिया है उससे जो है एक इतना उत्साह बन गया है कि हम पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को भेजने के में सक्षम हो गए हैं। हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट 25% कम होने का मतलब ये है कि हम लोग कहीं भी किसी भी कंडीशन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ICDs जो हैं उनका अच्छे से डेवलपमेंट होने लग गया है, स्टेट गवर्नमेंट में उसकी सुनवाई होने लग गई है। पहले ICDs जो है आते सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थे लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक इनडायरेक्ट अंकुश लगा दिया है, लोकल DM को पावर दे दी है कि इस तरह की कोई समस्या है तो जाके उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो लोकल एक्सपोर्टर्स को जो उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्टर्स हैं उसको उस निर्यात में भी बहुत सहायता मिलने लगी है। और इधर के साथ इसके साथ साथ मंडी शुल्क की जो छूट कर दी गई है कि अगर निर्यातक सीधा किसानों से अगर कृषि उपज खरीदता है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना। टैक्सी छूट उत्तर प्रदेश में 1998 से चली आ रही है, लेकिन मैं बताऊंगा डायरेक्टर साहब को 1998 से लेके और 2023 तक जितना मंडी शुल्क एक्सपोर्टरों ने बचाया होगा उतना वो सिर्फ 2023 में बचा लेंगे। मतलब जो काम पिछले 20-22 साल में पूरा नहीं हुआ वो एक साल में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह की नीतियों से जो है प्रदेश के विकास के साथ साथ निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, नए निर्यातक आके प्रदेश में बैठते हैं। आप किसी भी किसान को, किसी भी लेबर, किसी भी तबके को सरकार जो है अनुदान देकर जिंदा तो रख सकती है, लेकिन अगर सरकार चाहे कि उसकी ग्रोथ हो, उसका विकास हो, तो उसके लिए इंडस्ट्री का होना बड़ा आवश्यक है। जो अब 2022 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पूरा जोर लगा दिया है ताकि इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी तो स्टेट की एक्चुअल डेवलपमेंट होगी। आप किसी को सस्ता अनाज दे के, सस्ता फ्री में और या सब्जियां और ये सब दे के उसको आप जिंदा रख सकते हैं लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं कर सकते। ग्रोथ के लिए आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जो है बढ़ावा देना पड़ेगा। और हमारे प्रदेश में 75% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है, और एग्रीकल्चर का अगर बढ़ावा होगा तो हम समझते हैं कि हम बहुत ही जल्दी जो पर कैपिटा इनकम है हमारी, हम दूसरे प्रदेशों से बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। इसी नीति के अंदर जो है सरकार ने स्टार्टअप्स को भी बहुत बढ़ावा दिया है, उनको नए नए प्रोत्साहन दिए हैं। अगर वो कोई भी किसी तरीके का काम शुरू करना चाहे तो फूड प्रोसेसिंग की तरफ से उनके पास हर फैसिलिटी अवेलेबल है और वो सब ऑनलाइन है। आपको ये नहीं कि कहीं कहीं जाके घूमना है या किसी को मिलना है या करना है, तो जो पहले नहीं मिल पाता था वो अब आपको घर बैठे मिलने लग गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें नारी नेतृत्व की तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वुमेन बहुत ऐसे ही वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं। और इवन हम अगर किसानी में बात करें तो किसानी में भी बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो किसानी के काम को खुद करती हैं लेकिन उनका कहीं रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, वो मंडियों में अपना धान बेचने जा नहीं सकती हैं, वहाँ इतनी भीड़ भाड़ है। तो इस तरह की प्राइवेट मंडियों के माध्यम से उनको एक अलग से सपोर्ट मिला है और उनको जो है अपने घर बैठे अगर वो बेचना चाहें तो वो फैसिलिटी मिली है। जैसे हम लोग अगर कोई महिला किसान है तो हमारे जो किराए के ट्रैक्टर्स हैं वो उनके घर से उनके प्रोड्यूस को उठा के मंडी में लाते हैं और उनका जो पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके लिए उनको कहीं आना जाना नहीं है लेकिन वो पैसा सीधा उनके पास पहुँचता है। पहले वो गाँव के किसी मुखिया किसी के माध्यम से अपने प्रोड्यूस को बेचती थी तो उसमें से बहुत पैसा जो है रस्ते में ही कट जाता था, अब वो पैसा उसी के सीधे खाते में पहुंचता है तो उसको एक उत्साह साथ साथ एक सेफ्टी नज़र आती है कि जितना उसने काम किया उतना पैसा उसको मिला है।
इसके बाद न्यूट्रिशन के ऊपर भी सरकार ने बहुत काम किया है। मिलेट्स के ऊपर सरकार ने एक अलग से सबसे एक नई पॉलिसी बनाने जा रही है कि अगर आप मिलेट्स की पैदावार करेंगे या आप उसको मिलेट्स को प्रोसेस करेंगे तो आपको अलग एक नई तरह की सब्सिडी मिलेगी। उसी के साथ साथ किसानों की इनकम को कलेक्ट करने के लिए और आगे और इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक प्रपोजल है कि आप मान लीजिए सब्सिडी के लिए किसान के खाते में जो पैसा देना, किसान को उस माल को बेचने के समय जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडी देती है वो प्राइवेट लोगों के माध्यम से उसको बेचा जाए तो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी और समय पर उपलब्धता हो पाएगी। उस पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है कि आपको कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को जो अच्छे एक रेपुटेड ब्रांड से सीड पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर बेचते हैं, अगर आप उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट आपके खाते में एक सब्सिडी देगी। इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी एक चर्चा चल रही है और मैं सोचता हूँ कि बहुत ही जल्दी इसके ऊपर भी निर्णय हो जाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जो आज से 15-5 साल पहले था। ई कॉमर्स के ऊपर हर फैसिलिटी जो है हो गई है। पहले ई कॉमर्स में ये हालत थी कि आदमी ऑनलाइन ऑर्डर बुक करता था और जो डिलीवरी देने जाता था वो गायब हो जाता था। ई कॉमर्स की कंपनियां जो हैं उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर पाती थी, एक ऐसा टेरर था। लेकिन आज देखा जाए तो गांव-गांव में हर चीज़ ई कॉमर्स के माध्यम से पहुंचने लग गई है। वो एक काम अगर ठीक होता तो उसके साथ बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं आते, अपने आप ठीक होते चले जाते हैं। इन सब चीज़ों को रखते हुए हमें ऐसा लगता है कि प्रदेश की जो गति, विकास की गति है वो बहुत ही अधिक है और बहुत ही जल्दी हम उसमें सर्वप्रथम किसी न किसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। पैदावार में हम लोग पहले से बहुत आगे हैं और अब आगे जो हमारे यहाँ एक माहौल नहीं था व्यापार करने का वो माहौल उत्तर प्रदेश सरकार ने बन चुका है, बना दिया गया है। अंत में मुझे कहते हुए बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश बदल नहीं रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह बदल चुका है। चारों ओर खुशहाली खुशहाली नजर आने लगी है। हर इंसान अपने को सुरक्षित महसूस करने लगा है। हमारी सरकार में हर उद्योग हर तबके के लोगों को तत्परता से सुनवाई होने लगी है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार का जीवन निभारी रहेंगे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे अनुभव और आपके विचार यहाँ प्रस्तुत किए। अगर योजना आती है तो उसके तीन ही स्तंभ जैसे दिखते हैं, एक तो सील होता है, सॉइल होता है, क्लाइमेट होता है। सील मतलब कि सेंसिटाइजेशन, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और लोगों को जागरूक करना कि इस तरह की कोई योजना है जिसमें वो शामिल हो सकते हैं और कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये एक सीड का पार्ट होता है। उसी तरह उनको किस तरीके से स्ट्रेंथ देना है, किस तरीके से उनको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देनी है या कोई और सपोर्ट करना है जिसके थ्रू वो अपनी यूनिट को स्टैब्लिश कर सके, तो ये सॉइल का पार्ट हो जाता है। लेटर ऑन जब वो एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो किस तरीके से उस क्लाइमेट में उनको डेवलप करना है और किस तरीके से उन्हें अपनी यूनिट को आगे बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट के पार्ट में आती है जहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस और इंडस्ट्री और जो फार्मर्स हैं जो उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका कनेक्शन इसमें होता है ताकि क्लाइमेट डेवलप हो जहाँ पर जो प्रोडक्शन कर रहा है वो भी बेनिफिट में है और जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो भी बेनिफिट में है। तो इसी तरीके की बहुत जो हमारे सूक्ष्म इकाइयाँ होती हैं या माइक्रो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका कि प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट बहुत 1 करोड़ से अधिक नहीं होता है और टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होता है, तो इस तरह की इकाइयों को माइक्रो इंडस्ट्रीज या सूक्ष्म इकाइयाँ कहा जाता है। और स्पेशली जो इस तरह से फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हों, जो कि फूड प्रोसेसिंग के प्रोसेसिंग कर रही हो फूड्स की, तो इन इकाइयों के लिए एक योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई है जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से स्पॉन्सर्ड है। उस योजना का नाम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना या प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। इस योजना में कई कॉम्पोनेंट हैं जिसमें मेनली जो लाभार्थी या बेनिफिशरी का है वो दो टाइप के हैं, पहला इंडिविजुअल है और दूसरा ग्रुप है। इंडिविजुअल व्यक्तिगत आता है जिसमें भी जिसके अंतर्गत आप एनजीओ, हम इसमें एनजीओ को प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स, पार्टनर फर्म्स और
प्रोप्राइटर फर्म्स को बेनिफिट दे सकते हैं प्लांट मशीनरी टेक्निकल सिल्वर पे 35% का क्रेडिट लिंक सब्सिडी के थ्रू। सिमिलर इसमें जो ग्रुप्स कैटेगरी आते हैं उसमें SSG, FPO, कोऑपरेटिव्स और आपकी FPOs आते हैं, इन्हें भी 35% की सब्सिडी दी जा सकती है अप टू 10 लाख। दोनों कैटेगरी में 10 लाख तक की सब्सिडी है। इसके अलावा ग्रुप्स के लिए 2 बेनिफिट और हैं, अगर वो किसी तरीके की कॉमन फैसिलिटी डेवलप करना चाहते हैं या कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं तो वो 35% की कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं अप टू 3 करोड़। उसमें प्रोजेक्ट की कोई लिमिटेशंस नहीं है। सिमिलर अगर मैं एक और एक बेनिफिट की बात करूँ इसी में ग्रुप के लिए, जो कि SSG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए होता है, वो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू दिया जाता है, जो स्मॉल इक्विपमेंट और वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है 40,000 पर मेम्बर होती है। इसके अलावा इसमें ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का भी कंपोनेंट है, जिसमें 50% की ग्रांट है जो कि ब्रांडिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाता है, वो भी ग्रुप्स के लिए है, SSG, FPO, कोऑपरेटिव्स और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए ये इसमें बेनिफिट दिए जाते हैं। अब इसमें ऐसी इकाइयाँ नॉर्मली इन्वॉल्व हो रही हैं जो कि ग्रामीण या रूरल एरियाज को प्रेफर करती हैं। इन जब भी क्लस्टर की अगर हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर जिस चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उस तरह की इकाइयाँ या यूनिट्स वहाँ पर ईजीली इस्टेब्लिश होती हैं, और इनका कनेक्शन यदि बड़ी यूनिट्स के साथ होता जाए तो वो इंडस्ट्रियल एरिया एक क्लस्टर का बनता जाता है। सिमिलर जहाँ इन छोटी इकाइयों के लिए ये योजना है, उसी तरीके से बड़ी जो कि हमारे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में आएंगी उनके लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की दूसरी योजना है जो कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री फूड पॉलिसी 2023 है। तो इसी योजना को विस्तार से समझाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे उपनिदेशक श्री प्रदीप माझी। थैंक यू। थैंक सुनर बचपा सिंह आदरणीय डॉक्टर महोदय, हमारे मुख्य अतिथि अजय भुतिया जी और सामने बैठे लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे आप जानते हैं ये जो खाद प्रसरण है या कृषि प्रसरण एक ही बात है। ये मुझे 35 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट में 25 साल हो गए 10 साल। तो उत्तर प्रदेश प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट था, लेकिन जब मैं गवर्नमेंट जॉब में 97 में आया तो मैं लोगों से जो प्राइवेट सेक्टर में था, दिल्ली में पोस्टेड था एक ग्रुप कंपनी में, मैंने उसे केवल नोएडा में प्लांट लगाने के लिए कह दिया था एक राइस प्रोसेसिंग का। आज आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, तो दिल्ली गाजियाबाद जा भी मत, हम तेरे को दिल्ली में उठा दे रहे हैं। लाइन ऑर्डर की इतनी खराब सिचुएशन थी, सब्सिडी की लाइन ऑर्डर की, इट इज द टाइम ऑफ 94। तो बोले कि नहीं तू दिल्ली में ही रही हो, मैं दिल्ली में ही पोस्टेड था, कि हम यूनिट लगाने की तो बात दूर गई कि हमारे वेस्ट करने की बात क्या कर रहा है। तो ये फैक्ट था कि एक जमाने में जो निवेशक थे वो दिल्ली में नहीं आना चाहते थे, इवन गाजियाबाद ही नहीं आना चाहते थे। आज तो ये गौतम बुद्ध नगर अलग जिला बन गया, वो जो उस टाइम गाजियाबाद ही डिस्ट्रिक्ट था जिसमें नोएडा भी आता था। इसके कुछ कारण थे, एक कारण वनों का कारण था लाइन ऑर्डर, सेकेंड कारण था लाइट की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तीसरा सबसे बड़ा कारण था इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने 2000 में एक मीटिंग कराई, तत्कालीन DM थे हमारे अमित मोहन प्रसाद जी मेरठ में, तो उस टाइम जब बैठक कराई थी तो उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर से आओ एक बैठक तो आप कम से कम करा दीजिए, यहाँ का बिजनेस लेवल पे आप मेरठ में पोस्टेड है। उस टाइम हमारी एक स्कीम चलती थी, वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी, डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट। जैसे कि आप जान रहे हैं कि डाइवर्सिफाई का मतलब एग्रीकल्चर में जो डाइवर्सिफाई करना था एंड प्रोसेसिंग करनी थी। तो उस टाइम मैंने जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे इंडिया में, बॉम्बे से, बेंगलोर से, हैदराबाद से बुला दिए थे, तो वो दिल्ली एयरपोर्ट तक तो कहीं से भी फ्लाइट से 1-1.5 घंटे में आ रहे थे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट से मेरठ पहुँचने में 7 घंटे से 6 घंटे लगे, क्योंकि उस टाइम का सिंगल रोड था जो भाई मोदी नगर होते हुए जाता था मेरठ की कमिश्नरी में, वहाँ वो बैठक रखी गई थी। तो अनफॉर्चुनेटली वो मीटिंग तो होनी थी 11 बजे से हुई 1 बजे, क्योंकि लेट हो गए थे लोग, तो हमने फिर उसको पोस्टपोन कर लिए, और वो 1 घंटे की बैठक थी केवल कि इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्री कि आप यहाँ आके काम कीजिए। तो उस टाइम 3 ही मुद्दे उठे थे, सब्सिडी का मुद्दा नहीं उठा था,
मुद्दा ये उठाता साहब, अगर मेरे खाने में 7 घंटे लगेंगे तो आप क्या सोच रहे हैं, कोई इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करेगा इस मेरठ मंडल में? मेरठ मंडल कम इसमें नॉट फार अवे यूपी, मैं केवल जो दिल्ली से लगा हुआ एनसीआर रीजन की बात कर रहा हूँ, रीजन की बात कर रहा हूँ। जो आज आप ये एक्सप्रेस वे देख रहे हो, मेरठ एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे या यमुना एक्सप्रेस वे या पेरिफेरल एक्सप्रेस, उस टाइम ये इस नाम के कोई रोड नहीं थे। जो आज रोडों का जाल जिसे हम कहते हैं यूपी इज द कैपिटल ऑफ एक्सप्रेस वे, नाउ एक्सप्रेस वे हो, आप शायद ही कोई टाइम जाता है। मैं मतलब एक तो एक टाइम ये था मेरठ में, दिन में भी जनरेटर चलते थे, रात में भी जनरेटर चलते थे। अब जनरेटर तो छोड़िए, इन्वर्टर भी नहीं चलते बिजली के लिए। मतलब इन्वर्टर लोगों ने लगा रखे होंगे तो कभी कभार के लिए कोई चेंज ओवर हो रहा होगा तो बिजली जाती है। मैं मेरठ भी नहीं, मेरा घर है लखनऊ से भी मैं रहता हूँ, बिजली भी नहीं जाती है। जनरली अच्छी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। लैंड ऑनर का तो हमारे आदरणीय अतिथि जो वही बता चुके, आप भी हरियाणा से बिलोंग करते थे लेकिन आज यूपी मार्जिन अपना उद्योग चला रहे हैं। ये मैंने प्रिपिक्स आपको इसलिए बताया है कि ये नीति हमें क्यों बनाई है। एक्चुअली भारत सरकार पहले से ही स्कीमें चला रही थी और स्टेट भी चला रही थी पॉलिसी 23 लाने से पहले। हम पॉलिसी 12 चलाए, पॉलिसी 4% पॉलिसी 17 भी चलाए और भारत सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री संपदा योजना के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग भी स्कीम चला रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी स्कीम चला रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से हम जनरली जो स्कीमें चलाते हैं वो फ्रेश हैंडलिंग के लिए चलाते हैं, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की स्कीमें भी होती हैं, जिसमें कोल्ड स्टोरेज है, पैक हाउस है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेयर हाउस वगैरह है, जो स्टेट के डिफरेंट डिपार्टमेंट चलाते हैं। जैसे किसी को गोडाउन बनाना है, वेयर हाउस बनाने हैं कम्युनिटी स्टोरेज के लिए, और प्रोसेसिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत स्कीमें चलती हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है ऐसी थी कि जितना यूपी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो स्कीमें इंक्लूसिव स्कीमें नहीं थी। जो पॉलिसी 23 लाई गई है ये एक्चुअली पॉलिसी 22 है, लेकिन चूंकि इम्प्लीमेंट 2 फरवरी 23 से हुई है तो इस स्कीम में बहुत सारी चीज़ों को जो स्टेट की गए पूरे इंडिया में इस तरह की पॉलिसी नहीं बनी है। इसको स्टार्ट किया गया है इस दृष्टि से रखते हुए कि कोई इंटरप्रेनर आएगा उसका सबसे पहले तो लैंड ही चाहिए, बिना जमीन के नहीं हो सकती। तो लैंड खरीदने के लिए भी जो परमिशनें चाहिए वो इस पॉलिसी के थ्रू सीधे परमिशन है, चाहे वो शासन से लेनी हो बड़ा लैंड चाहे छोटा हो, क्योंकि यूपी में लैंड खरीदना भी अपने आप में एक था। और ये 2 फरवरी से लिटर फैक्ट्री हुआ है लैंड परचेज के केस में, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी की भी छूट है, लैंड कन्वर्जन में छूट है और एक्सटर्नल डेवलपमेंट शुल्क एक ऐसा शुल्क होता था यूपी के अंतर्गत, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में बैठा हूँ मैं आपको इसलिए बता दूँ, जब इंडस्ट्री कोई लगा लेता था तो वो जो आवास विकास था डेवलपमेंट बोर्ड हैवी एक्सटर्नल डेवलपमेंट शुल्क लगा देता था, और उस इंडस्ट्री की या किसी भी आइडेंटिटी की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती थी। तो इसको कम्प्लीटली एग्जेप्ट कर दिया गया एक्सटर्नल दूसरा पार्ट अभी मेरा लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था लखनऊ में, फाइनली ये डिसाइड हो गया है जो मंडी शुल्क जितनी भी यूपी में इंडस्ट्री है वो हमारे यहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस बार क्या किया गया है इन पॉलिसियों में जो गवर्नमेंट ने निकाली है 22 में गवर्नमेंट आने के बाद, ये 37 डिपार्टमेंट के जितनी भी आपको लाभ चाहिए वो एक निवेश मित्र पोर्टल से सबको जोड़ा गया, पहले ऐसा नहीं जोड़ा था, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ता था। अब क्या है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, पॉलिसी डिपार्टमेंट हो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, उन सब चीज़ों का, चाहे हमारी फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की पॉलिसी है, एमएससी की पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, डेयरी की पॉलिसी है, आबकारी पॉलिसी है, जो मेजर एग्रीकल्चर के लिए आती है, वो सारी एक ही पोर्टल से आप सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं। 10 जगह आपको अप्लाई। नंबर 2, पहले क्या होता था पेपर से डॉक्यूमेंट लिए जाते थे, मतलब आपको जाकर फिजिकली जमा करना, वहाँ किसी ने मिस आपकी किसी से बात बहस हो गई तो उसने पेपर फेंक दिया आपकी एप्लीकेशन का। आप टोटल एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल पे, मतलब जो आपकी आवेदन पत्र है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है,
या अदर डॉक्यूमेंट है, ये सब पीडीएफ फॉर्म में आपको सिस्टम पे अपलोड करने हैं और उसको आप खुद को देख ही सकते हैं। इवन माननीय मुख्यमंत्री तक कोई भी उस पोर्टल को हर एक के लिए पासवर्ड है वो देख सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट कोई हटा नहीं सकता, जो डॉक्यूमेंट उस पर पुटअप हो गया तो डॉक्यूमेंट सेव रहेगा। ये एक बहुत बड़ी इसमें हमने चेंज किया है। नंबर तीन, जैसे मैंने कहा मंडी शुल्क के लिए क्या है, जो लगी हुई यूनिट है वो केवल एक एप्लीकेशन डालेगा कि हमें ये चाहिए, क्योंकि अभी एक दिक्कत आ रही थी कि बहुत से मंडी सचिव नहीं मान रहे थे, तो ये हुआ डिसाइड कि हम यहाँ से अपने यहाँ से लेटर ऑफ कंफर्ट डीएम को भी जारी करेंगे, कमिश्नर को भी जारी करेंगे, मंडी सचिव को भी जारी करेंगे, डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंडी को भी जारी करेंगे कि इसको ये इंटेक्टर है, वो जस्ट हमारे एप्लीकेशन डालेगा कि मेरी ये यूनिट है मुझे ये छूट की जरूरत है, जिससे कल को वहाँ पे ये नहीं जाए कि ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो ये मंडी शुल्क में बहुत बड़ी बात की गई। अब आती है बात, हमने जो इसमें डिफरेंट कैपिटल छूट रखी है, तो जो कैपिटल छूट रखी है इसके अंदर एक कैपिटल छूट है जो एक यूनिट लगाएगा। तो देखिए यूनिट के लिए भी हमारे मलेश बोले थे, जो स्टार्टअप यूनिट या छोटी यूनिट होती है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 35% की सब्सिडी उसमें भी है अप टू 10 लाख रुपए उद्योग के लिए इंडिविजुअल के लिए, वो वहाँ से मैं ही हूँ, मतलब एक हमारा पोर्टल अलग है उसका, लेकिन नोडल अधिकारी मैं ही हूँ और उस स्कीम को भी हम ही देखते हैं। और ये जो पॉलिसी 22 लाई गई है इसमें इंडिविजुअल यूनिट के लिए अगर एग्जिस्टिंग कोई यूनिट है कोई एक्सपेंशन करता है तो 1 करोड़ और नई यूनिट लगाता है तो 5 करोड़ तक की 35% से सब्सिडी है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर साइंस में 4 तरह की स्कीमें हैं, मैं आपको बता दूं। एक है इंटीग्रेटेड कूल चेन जिसमें 10 करोड़ तक की सब्सिडी है, एक है ये यूनिट जो हम इंडिविजुअल यूनिट के लिए बात करते हैं, एक हमने इसमें रखा है क्लस्टर में। क्लस्टर का मतलब है कि एक ही जगह अगर कोई 4-5 यूनिट लगाता है 25 करोड़ का निवेश करता है मिनिमम, तो वो 10 करोड़ तक की सब्सिडी ले सकता है, अदरवाइज 5 करोड़ है। अगर 5 यूनिटें वो एक कैंपस में लगा रहा है डिफरेंट लाइन में तो 10 करोड़ तक की सब्सिडी क्लेम कर सकता है। चौथा है इसमें बहुत बड़ा हमने जो चीज डाली है वह है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज। जैसे आपका बहुत बड़ा लिंकेज है बैकवर्ड से और फॉरवर्ड से भी, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 5 करोड़ तक का जो फार्मर लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर हाउस पैक हाउस या डिपोर्ट स्टोरेज वगैरह क्रिएट होते हैं, या फॉरवर्ड लिंकेज के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा प्रोसेसिंग के अलावा, तो ये एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसको पहली दफे यूपी में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इससे पहले नहीं किया जा रहा था। ये 4 स्कीम है। इसके अलावा जो अदर हमारी स्कीमें हैं कुछ तो आपने स्लम में देखी होंगी, एक स्कीम हम जो लाए हैं स्पेशली यूपी के रूरल इलाके को ध्यान में रखते हैं, वो है सोलर पे सब्सिडी महिलाओं को 90% दे रहे हैं हम 75 किलोवाट तक, और अगर मेल उसका फिल्टर बना रहे तो 50। आज तक इतनी बड़ी सब्सिडी सोलर पे किसी भी डिपार्टमेंट इवन नेडा वगैरह नहीं दी जा रही थी, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बिना बिजली के नहीं चलता और रूरल इलाके में कभी कभी बिजली की प्रॉब्लम्स रहती हैं फीडर की वजह से हो या किसी हो, तो उसका वो दिक्कत ना है उसके लिए उसको रखा गया। इसके अलावा एक बड़ी स्कीम इसमें और लाई गई है, वो स्कीम है एक्सपोर्ट पर सब्सिडी। मतलब यूपी चूंकि लैंड लॉक इलाका है, आपको बता दें यूपी से जो कोल है जनरली जैसे बॉम्बे भेजे कांडला भेजे तो वो एक अच्छा खासा खर्चा होता है उन स्टेटों को एडवांटेज, तो यूपी में पहली दफे 35% से इसमें जो सब्सिडी है उसकी लिमिट तो खत्म कर दी गई है, वो सब्सिडी क्लेम कर सकता है जो एक्सपोर्ट करेगा। केवल 3 कंट्री के लिए टाइटल नहीं है, बांग्लादेश भूटान और नेपाल, बाकी किसी भी कंट्री को वो एक्सपोर्ट करता है तो उसे ये सब्सिडी के टाइटल होगा। बाकी अगर आपको हमारी गाइडलाइन ऑन पोर्टल पे अवेलेबल है और बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, इसके फॉर्मेट में बहुत कम हमने अभी डॉक्यूमेंट्स कर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ MIDH एक स्कीम चलती है जिसे मैं देखता हूँ, इसके अंतर्गत अगर आप कोल्ड स्टोरेज वगैरह पैक हाउस रैपनिंग चैम्बर वगैरह बनाते हैं उस पर भी 35% से लेकर 2 करोड़ तक की सब्सिडियाँ हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको और कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक
थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। अगले इसी कड़ी में हम अगले चरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे निदेशक महोदय को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग कि वो अपने विचार आज के सेशन के लिए प्रस्तुत करें। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ हमारे साथ आए हुए निदेशक अजय भुटिया जी, उप निदेशक खाद्य प्रसंस्करण सुमन कुमार, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी हिमन, और यहाँ बैठी ऑडियंस और हमारे विभागीय अधिकारी कर्मचारी। खाद्य प्रसंस्करण तभी होगा जबकि हमारे उसका कच्चा माल क्वालिटी का होगा, अधिक मात्रा में होगा, उसका प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तभी हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को रॉ मटेरियल के रूप में कम कीमत में मिलेगा। इसमें हॉर्टिकल्चर का जो रोल है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में हॉर्टिकल्चर का जो रोल है, जो जीडीपी है वो 30.4% जीडीपी हॉर्टिकल्चर सेक्टर से आती है, जबकि हॉर्टिकल्चर का एरिया मात्र 13% से 4% है। इस समय देखा जाए तो हमारा जो हॉर्टिकल्चर का जो अंदर एरिया आता है वो 28.28 मिलियन हेक्टेयर है। इससे हम करीब करीब 350 मिलियन टन हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, जिसमें हमारे फ्रूट्स का प्रोडक्शन 100 मिलियन टन के आसपास है, सब्जियों में 200 मिलियन टन के आसपास प्रोडक्शन है। इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत से हमारे वो हैं कि फैक्टर्स हैं जिनके सहायता से हम अपने जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है, हम अपने सब्जियों में नंबर 1 है, फलों में नंबर 3 है, सब्जियों में नंबर 1 बने रहे, हमारा एक्सपोर्ट और बढ़े, इसके लिए हमारे जो हॉर्टिकल्चर प्रांत में जो खूबी है, ये जो खूबी है कि ये जो फसलें हैं उसमें हमारी सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, मसाले आते हैं, ये जो हमारी जो हमारी डाइट है जो सोर्स ऑफ विटामिन के लिए काफ़ी मिनरल्स में बहुत होता है, इसमें फाइबर्स होता है, इसकी द्वारा हम इनकम जनरेशन के क्षेत्र में भी हॉर्टिकल्चर फसलें बहुत ज़्यादा इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जो हमारी जो बताया था ना कि फैक्टर्स हैं जिसमें सबसे पहली बात आती है कि हम जो सब्जियां को बोने के लिए जो हम सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी कर रहे थे परंपरागत तरीके से, उसका सीड्स का जो प्रोडक्शन जो लेवल था उसकी कंपटीशन में आजकल हाइब्रिड सीड्स आए हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों का हमने देखा है, बहुत से ताइवान से आ रहे हैं, जो प्रोडक्शन लगभग 50% अप टू 100% ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। और इसकी अलावा प्रोडक्शन तो अच्छा मिल ही रहा है, इसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बहुत अच्छी है, कीमत भी है, हाइब्रिड सीड के अलावा हम अगर जो मशीनरी है किसान खेतों में सब्जी पैदा करता है वो अगर उसके पास सब्जी तकनीक अच्छा होगा और सब्जी बहुत कैसे अच्छी तैयार करे, इसके लिए हम लोग जो है हाईटेक नर्सरी तैयार करा रहे हैं। हाईटेक नर्सरी में बगैर नीची के ट्रांस कंडीशन में इसमें कोको भी होता है और लाइट होता है, गर्मी लाइट होता है, इससे मिक्सर से बगैर मिट्टी के हम पौध तैयार करते हैं, जिसमें जो इसका रेशियो मिट्टी है जैसे कोको पिट है वो 3 पार्ट होगा, गर्मी लाइट 1 पार्ट होगा और लाइट 1 पार्ट, इन तीनों को मिक्सर को इस टेक्नोलॉजी को हमको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मतलब प्लास्टिक की ट्रे है जैसे कि आपके अंडे रखने वाली ट्रे होती है, ऐसे प्लास्टिक की ट्रे है, इसमें अलग अलग तरीके साइज के होते हैं, जो हमारा मीडियम साइज इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा 98 होल्स का 99 होल्स के होते हैं, उसमें हम एक एक बीज को जैसे आप किचन देख रहे होंगे इसमें एक एक सीड को शो करते हैं और इसका एक अपना एक जिस चैम्बर में रखते हैं उसमें चैम्बर में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के साथ इससे हम कभी भी साल में किसी भी सीजन में कोई भी सब्जी की पौध तैयार कर सकते हैं, हम अर्जित सब्जी तैयार करना चाहें या हम
आप सीजन सब्जी तैयार करना चाहें, लेट में अगर हम सब्जी तैयार करना चाहें, हम कभी भी इसका पौधा नहीं करते। हम सब्जी किसी भी क्षेत्र में अगली फसल में करते हैं तो अच्छी कीमत मिलती है। आप सीजन करते हैं जैसे हमारा खीरा सर्दियों में नहीं पैदा कर सकते हैं, इस माध्यम से हम पौध लेते हैं, सर्दियों में भी हम खीरा तैयार करा लेते हैं। खरबूजा हम सर्दियों में तैयार करते हैं, खरबूजा तरबूज सर्दियों में बहुत अच्छी कीमत देता है। इसके अलावा भिंडी है, भिंडी अप्रैल मई में बाजार में आती है, अगर हम उसको हम आप सीजन सर्दियों में भी भिंडी पैदा करें, हम इसके माध्यम से कर सकते हैं, तो उसकी कीमत 3-4 गुना अधिक होता है। ये भी टेक्नोलॉजी है जिससे हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में किसान अच्छी इनकम ले सकता है। इसी के साथ साथ दूसरा एक और आती है ग्रेफ्टेड टर्म, जैसे हम अपने आम में देखते हैं, आम अमरूद जिसमें जैसे दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा, आम कई किस्म हो जाती है। इसमें क्या है कि इसमें दो तरह के पौधे, एक रूट स्टॉक अलग होता है, साइन अलग होती है। रूट स्टॉक जिसमें जिसका जो है जमीन के नीचे रहने वाली जो है एक वैरायटी, और जो फल देने वाली जिसमें फूल फल लगते हैं वो अलग। इसी तरीके से सब्जियों में भी रूट स्टॉक और साइन अलग अलग किस्मों के पौधों को हम इसी हाईटेक नर्सरी में तैयार करते हैं। क्या है इसमें हमारी चॉइस हो जाती है, जो हमारे वैसे एक वैरायटी लगाएंगे तो उसकी भी जमीन में भी उसका अपना एक करेक्टर है, वही करेक्टर उसका फल देने में आएगा। लेकिन जो हम ग्रेफ्टेड की टेक्निक से हम अगर सब्जी की पौध तैयार करेंगे, इसमें क्या उपाय करें इसको, तो इसमें देखेंगे इसकी हम मेन चीज़ें जरूरत पड़ती है साइन कैसा हो, साइन अच्छी देने वाली हो, और रूट स्टॉक जिसको रूट स्टॉक जिसकी जड़ों की क्षमता अच्छी हो, अच्छा विकास हो, और वो बीमारियों से लड़ने से और गर्मियों में स्ट्रेस कंडीशन में किसी भी कंडीशन में वो सर्वाइव करता हो, जिसमें बीज नहीं लगती हो, जिसकी जमीन में आजकल सब्जियां जो है 3 महीने फसल खत्म हो जाती। कारण क्या होता है कि जड़ों में या हवा में एटमॉस्फेयर में फ्यूजेरियम होता है, बैक्टीरियल विल्ट होता है, तो इन विल्ट की वजह से फसलें 3 महीने बाद खत्म हो जाती है। अगर इन जो रूट स्टॉक इस तरह किसमें आई है जो तो 1 साल तक पौधे खत्म नहीं होते, उनका रूट स्टॉक इस्तेमाल करते हैं, और उनके रूट स्टॉक में उसमें जो साइन लगाई जाती है वो अच्छी एज देने वाली, तो जो रूट स्टॉक हो गया है कि उसमें साल भर पौधा मरेगा नहीं, और जब साइन लगाएंगे अच्छी क्वालिटी का अच्छी वैरायटी का, तो उसमें उपज उसमें मिलेगी हमें 500-600 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो इस तरीके से अगर जो हमारी परंपरागत जो सब्जियां हैं वो हमारे 3-4 महीने में खत्म हो जाती है, और उसी लड़कों अगर देखा जाए पर एकड़ में करीब करीब 200-250 क्विंटल ही होता है। अगर वही हम हाइब्रिड ग्रेफ्टेड वाला पौधा लगाते हैं तो 2000 क्विंटल 5-10 गुना तक उपज मिलती है, और ये हमारी बाकी सब्जियां जो फसलें हैं वो 3-4 महीने फसल, ये 1 साल 1.5 साल 2 साल किसान थक जाता है, तोड़ते तोड़ते वो फसल खत्म नहीं होती है। ये भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसका इस्तेमाल करके किसान अपनी अच्छी इनकम ले सकता है, वोट कर सकता है। इसके अंदर एक दूसरी चीज आती है टिश्यू कल्चर का, जो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है, जिससे पहले हमारी जो केले की जो किस्में थी वो परंपरागत तरीके से कुत्ती निकाल कर लगाते थे, टिश्यू कल्चर उसमें हमारी जो केले की जो पौध की उपज होती थी 1 पेड़ पर देखें तो उसके से 20-25 किलो औसतन मिलता था। आज के तारीख में टिश्यू कल्चर होगा यहाँ तक के पश्चिम में भी लोग इस वैरायटी को लगा रहे हैं, पौधा के बिगड़ अच्छा होता है, एक एक पौधा 45-50-60 किलो का उपज होता है। टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर भी जलवेड़ा का पौधा, कार्नेशन का पौधा तैयार करके किसान अच्छी इनकम ले सकता है। एक और टेक्नोलॉजी है जिस टाइम हम लोग करते हैं, हमारे पानी बहुत है, लेकिन बहुत पानी होना हम लोगों के लिए अभिशाप भी है। हमारी उपज जो है जो होनी चाहिए उत्पादकता, तो अधिक पानी होने की वजह से नहीं, अगर इसकी जगह ड्रिप या स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें तो हमारी उत्पादकता जितनी चल रही है इसकी 25-30% तक बढ़ सकती है। और जहाँ जहाँ एरियो में पानी नहीं पहुँचता है, ऐसी जमीन पहाड़ी जमीन है, सिंचाई पानी नहीं पहुँचा सकते, वहाँ ड्रिप स्प्रिंकलर के माध्यम से खेती अच्छी करनी है, उनकी आसान हो गई है, ड्रिप टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। हम कुछ सिस्टम पुराने सिस्टम जो खेत में खेती करते हैं परंपरागत तरीके से, उसके स्थान पर बेड सिस्टम आ गया है। बेड सिस्टम में बेड जो खेत में समतल खेत की बजाय 8-10 इंच ऊंची हुई क्यारियाँ 3 फीट की चौड़ी क्यारियों में, उसमें हम मल्चिंग सीट के साथ
ड्रिप डिजाइन के साथ, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये जो है ये ड्रिप बेड सिस्टम में मल्टिंग सीड के साथ वो लगाई गई है। इसमें फसल के उत्पादन की जड़ों में जैसे सिंचाई करते हैं पूरा खेत भर जाता पानी से, एरेशन बिल्कुल हवा निकल जाती है तो उस समय पौधे की जड़ें सफोकेशन फील करती है। इस सिस्टम से पौधे ड्रिप सिंचाई से जितना पानी चाहिए उतना बूंद बूंद पानी जमीन से नमी होती है और एरेशन बना रहता है। और जो हमने ऊंची हुई क्यारी बनाई है ऊंची क्यारियों से जड़ों के खेत में एरेशन बहुत अच्छा होता है तो पौधे की विकास अच्छा होता है, अच्छा विकास होगा तो जड़ें उसकी अच्छी अधिक मात्रा में पोषक तत्व तो पानी का अवशोषण करके पौधों को लाभ बनाते हैं, अच्छी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होने से काफ़ी अच्छी उपज मिलती है और क्वालिटी की उपज मिलती है। ये भी एक टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। दूसरा आगे एक और टेक्नोलॉजी है, अभी तक जैसे हम लोग समतल खेत में खेती कर रहे हैं, हम वर्टिकल फार्मिंग या मजान फार्मिंग ये नया नाम सुना होगा। शहरों में जैसे पहले एक इंडिपेंडेंट हाउस थोड़ी सी एरिया में एक एकड़ में मुश्किल से 50-60 घर बनते थे, आज की तारीख में एक एकड़ में 1,000-1,500 यूनिट फ्लैट बनते हैं, देख रहे होंगे। उसी तरीके का ये भी हमारी एक टेक्नोलॉजी है, कम जमीन में अधिक से अधिक पौधे लगा करके इसमें मचान के द्वारा या वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल मतलब उठी हुई, पहले हम लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल फार्मिंग, ये उठी हुई वर्टिकल फार्मिंग और मचान फार्मिंग। ये बरसात के मौसम में हमारी फसलों में देखे होंगे कि बाजार बरसात के समय में पानी जो फसलों की कीमत है उपज है बहुत ही हाई हो जाती है, बाजार में पानी खेतों में पानी भर जाता और सड़ जाती है, उपज नहीं मिल पाती है। तो उन लोग उन किसानों के लिए जहाँ पर पानी ज़्यादा भरता है तो रेज बिल बना करके वर्टिकल फार्मिंग मचान फार्मिंग करके अच्छी खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकती है। आजकल आज प्रोटेक्टेड खेती खेती का बहुत अच्छा चलन चल रहा है, जो नई यूथ है उसके लिए बहुत अच्छी ये टेक्नोलॉजी है। किसान ना होकर के हम यूथ को जो आज की पढ़ाई करने के बाद 20,000-25,000 की नौकरी मिलने में कठिनाई हो रही है, 25,000 की नौकरी सबको भी नहीं मिल पा रही है, नौकरी की मारामारी है। जिसके पास कोई भी जमीन है एक एकड़ जमीन में अगर ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में पॉली हाउस में खेती करना, पॉली हाउस का मतलब हाउस है लेकिन वो पॉलीथीन का हाउस है, करीब करीब 1,000 वर्ग मीटर से लेकर के 2,000 वर्ग मीटर या 4,000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस बन रहे हैं। 4,000 वर्ग मीटर हाउस का पॉली हाउस बनाने में करीब करीब 40 लाख की लागत आती है, सरकार इसमें सब्सिडी भी दे रही है करीब करीब 50% की सब्सिडी दे करके एक एकड़ में किसान की जेब से 20 लाख लगता है, बाकी 20 लाख सरकार दे रही है। इस पॉली हाउस वाली टेक्नोलॉजी से किसान एक हेक्टेयर से साल भर में 15-20 लाख रुपए की आमदनी कर ले रहा है। इसमें मुख्य रूप से खीरा की फसल, जयवेदा के फूल की फसल, कार्नेशन की फसल, गुलाब के कट फ्लावर्स, ये आमतौर पर उसमें शिमला मिर्च भी है, रंगीन शिमला मिर्च आप देखे होंगे खुले में रंगीन शिमला मिर्च नहीं पैदा हो पाती, रंगीन में पीले रंग की है लाल रंग की है, उसका साइज खुले में होता है तो काफ़ी छोटा होता है। इसका पॉली हाउस के अंदर एक माइक्रो क्लाइमेट डेवलप होता है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी रहती है, टेम्परेचर भी कंट्रोल कंडीशन में होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो अच्छा होता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्शन पौधा बहुत फास्ट बढ़ता है, इतना बढ़ जाता है कि जो पौधा जो टमाटर का पौधा आपने देखा होगा या शिमला मिर्च का पौधा 2 फीट से ज़्यादा 3 फीट से ऊँचा नहीं होता है। इस टेक्नोलॉजी से पॉली हाउस में वो 3-3, 4-4 मीटर 8-8 मीटर तक बढ़ता चला जाता है और जो फसल 3 महीने में ख़राब होती है वो 3-4 महीने 5 महीने 8 महीने 10 महीने आप पीछा 10 महीने तक फसल चलती है। कांची की फसल एक उपज जहाँ हम टमाटर के पौधे से या किसी शिमला मिर्च पौधे से हम 1 किलो या 2 किलो उपज लेते हैं, पॉली हाउस के अंदर वही वेराइटी उसमें 5 किलो से 6 किलो उपज मिलती है। वर्टिकल फार्मिंग होती है, ये भी वर्टिकल ये कंट्रोल कंडीशन में होती है, इसमें पाले का असर नहीं होता, बारिश का भी असर नहीं है, अधिक बारिश से नुकसान होने से बच जाता है, अधिक ठंडी से बचता है, अधिक बहुत ज़्यादा गर्मी से नुकसान फसल नहीं मिलती, उस साल यानी कि साल भर इसके अंदर हम फसल ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजियों में आजकल एक आई है हाइड्रोपोनिक्स, नाम सुना होगा। हाइड्रोपोनिक्स मतलब खेती हम अभी तक करते थे मिट्टी में बीज बोते हैं पौधा लगाते हैं बढ़ता है, ये इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें हमारे केवल पानी में ही इसका सिस्टम होता है, पाइपों में छेद किए हुए सिस्टम एक है, इसमें हम पानी के द्वारा
पानी में पौधा ऊपर रहता है, नीचे पानी रहता है, मिट्टी नहीं रहती उस पानी में। पानी में न्यूट्रिएंट जितनी भी जो उसकी पोषक तत्व है सभी मात्रा में उसमें बैलेंस डाल देते हैं, पौधा बढ़ता है। और ये घर के अंदर एक पॉली हाउस था, उसी तरीके से ये भी है, ये घर की रोशनी में भी, उसमें घर की सनलाइट से सब सॉरी घर की सनलाइट नहीं, घर की जो अपनी ट्यूबलाइट है इसके अलग तरह की, इसके द्वारा हम उसमें थोड़ा खुले में भी कर लेते हैं, इंडोर भी करते हैं। ऐसे दूसरी टेक्नोलॉजी है एक एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में इसमें पानी में होता है, उसमें हवा में पौधे जो है हवा में रहते हैं, और फिर जड़े जो है जड़ों को ही हम केवल मिश वातावरण मिश चैम्बर लगा करके उसको पानी देते हैं, उसी में न्यूट्रिएंट डालते हैं, पौधा हवा में जड़ें बढ़ती हैं। खासकर हम आलू के केस में जो हम ट्यूब सू पंजे से पौधा तैयार करते हैं, इसके बाद एरोपोनिक सिस्टम से उसके ट्यूबर्स बनाते हैं, ट्यूबर्स को मल्टीप्लाई करके जिस वैरायटी की इच्छा है हम उसको फास्ट मल्टीप्लीकेशन से एरोपोनिक बहुत कामयाब हो रहा है। हमारे यहाँ भी दो जगहों पर हापुड़ में और दूसरा कुशीनगर में इस तरह के लैब तैयार हो रही है। कुछ सालों बाद इसमें एरोपोनिक्स में हम आलू के मल्टीप्लीकेशन काम बहुत फास्ट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट बढ़ाए आम फसलों में हमें अभी तक जो परंपरागत तरीके से थी कम जमीन, उसमें एक हेक्टेयर में मुश्किल से आम के 100 पौधे, अमरूद के 200 पौधे रखते थे। आज की टेक्नोलॉजी है हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी, और इस दूसरी है अल्ट्रा हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी, जिसमें हम पौधों को बहुत ही कम दूरी पर लगाते हैं। इसमें कि लाइन से लाइन पौधा 4 मीटर, पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर, मतलब 1 एकड़ में जहाँ पहले 40 पौधे लगाते हैं इस सिस्टम से लगाते हैं, 1 एकड़ में 1000 पौधे लगते हैं, मतलब 10 गुना के 20-25 गुना अधिक पौधे, 20-25 गुना पौधे। पहले जो हमारा खेत बाग लगाने के लिए जो बाग लगाते थे वो सोचते थे हम अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए, यानी कि 20-25 साल बाद उसमें अच्छी उपज मिलती थी। आज की तारीख में हाई डेंसिटी के या अल्ट्रा हाई डेंसिटी के माध्यम से 3 साल में ही जो उपज हमें 25 साल बाद मिलती थी वो 3 साल से ही स्टार्ट हो जाती है, और लगातार फसल क्वालिटी के फसल, क्योंकि आम के पेड़ या किसी पेड़ इतने बड़े ऊंचे हो जाते हैं उसको हमें तोड़ना, उसको रखवाई करना करना बड़ा मुश्किल रहता है। पौधे को 6 फीट हाइट से ऊपर बढ़ने नहीं देते हैं, उसकी दूरी कम रखते हैं। 1 एकड़ में 1000 पौधे से हम 5 से 8 लाख रुपये की आमदनी आम में अमरूद में किसी मिल रहे हैं, लोग ले रहे हैं, इसका चलन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ये हमारी जो है कुछ हमारे की फैक्टर है जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनके माध्यम से हम जो पूरा पहला जो उत्पादन होता था उस उत्पादन में 2.5 गुने से लेकर 10 गुने तक का उत्पादन इनकम हम ले पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है। और हम लोगों ने कुछ आगे बढ़ाया और नेक्स्ट हमारे स्कीम 3 स्कीम चल रही है बागवानियों को बढ़ाने के लिए। एक तो है MIDA, एक बागवानी विकास मिशन, दूसरा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और एक पर ड्रॉप होता है जो ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन, यही बहुत अच्छी स्कीम है। और इस सिस्टम द्वारा अभी तक जो लागत बहुत आती है, अगर 1 एकड़ में हाई डेंसिटी आम के बाद में अगर हम ड्रिप सिस्टम को इंस्टॉल लगवाना चाहते हैं तो करीब हमारा 1.5 लाख रुपये का खर्चा आएगा। इसमें गवर्नमेंट ने 90% से 80% की सब्सिडी, यदि आपका 1.5 लाख रुपये खर्चा आ रहा है तो उसमें केवल आपको 90% जो छोटा किसान है और जो थोड़ा जो बड़ा किसान है उसको मतलब केवल 20% ही पैसा देना है, बाकी पैसा गवर्नमेंट देर कर रही है, क्योंकि लागत बहुत है, फायदेमंद भी बहुत है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें भारत सरकार से मिल रहा है इसमें 60%, बाकी 35% पैसा जो है उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। ये योजना विभाग के लिए बहुत ही लाभकारी है। अच्छा, हमारे यहाँ इस समय करीब 17 हाईटेक नर्सरियाँ बन गई हैं, संचालित हो रही हैं। कुछ 100 हर गवर्नमेंट ने इस हाईटेक नर्सरी को की खूबी समझते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में 2 हाईटेक नर्सरी लगाने का एक फैसला लिया है। करीब इस समय 40 जगहों पर नर्सरी का काम कंप्लीट होने की स्थिति में है। इस वर्ष के अंत तक हमारी पूरे 75 जिलों में हर जगह 2-2 नर्सरी होकर 150 और हाईटेक नर्सरियाँ बन जाएंगी। इससे हमारे किसानों को अच्छी क्वालिटी का पौधा मिलेगा जिससे वो लगाएंगे तो उपज मिलेगी। ये विभाग की हमारी हार्टिकल्चर की ये कुछ टेक्नोलॉजी थी, विभाग की योजनाओं के बारे में आपको बताया। आप लोग जानते हैं कुछ सवाल हो तो कर सकते हैं। थैंक यू।
थैंक यू सर। ये जो हमारा फूड प्रोसेसिंग का सेशन चल रहा है उसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे निदेशक महोदय, उपनिदेशक खाद्य प्रसंस्करण महोदय तथा जो अजय भरोसिया जी जो स्पोर्ट के कर रहे हैं बासमती राइस के बारे में। तो भरोसिया जी ने जो है स्पोर्ट के बारे में विशेष जानकारी दी, आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। उसके बाद में हमारे यहाँ जो पॉलिसी 2022 यूपी गवर्नमेंट जो चला रही है उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी हमारे श्री प्रवीण कुमार सिंह डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट हार्वेस्ट फूड प्रोसेसिंग जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और यूपी के नोडल अधिकारी भी हैं उनके द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो निदेशक महोदय जी ने आपको प्री हार्वेस्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी विभाग की जो गतिविधियाँ दी हैं संचालित हो रही हैं प्रदेश में उसके बारे में डिटेल विस्तारपूर्वक जानकारी दी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और बहुत धन्यवाद आप सभी ऑडियंस उद्यमी का जिन्होंने लगभग एक डेढ़ घंटे हमारे विभाग से संपादित होने वाली गतिविधियों के बारे में या जो हमारी अन्य पोषावे से रिलेटेड योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी दी गई, उनको आपने बहुत ही सहमतितापूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ मैं निदेशक महोदय की अनुमति से इसका समापन करते हैं। थैंक यू। आपके पास नहीं आपके पास।